नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं सीमा बारिक एक बार फिर से आपका हिंदी गानांश में हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि बच्चों आपको याद होगा कि मैंने मेरे पहले वीडियो में आपको श्रुति संभी नाटक शब्दों के बारे में बताया था और उससे संबंधित वीडियो भी आपको दिखाया था। आज के गानांश में जैसा कि मैंने बोला था कि हम आगे की जो कार्य पत्रक संख्या है उनके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम हमारी कार्य पत्रक संख्या देखेंगे और उसके बाद में उनके प्रश्नोत्तर है उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आपको कार्य पत्रक संख्या 7.4 दिखाई दे रही होगी। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, रेखांकित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य पुनः लिखने हैं। जैसे सबसे पहला प्रश्न क्या है, नगर में अकाल पड़ा। तो नगर शब्द और अकाल शब्द यहाँ पर रेखांकित किए गए हैं। तो नगर शब्द का समानार्थी क्या होगा, शहर में, और अकाल मतलब सूखा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शहर में सूखा पड़ा। दूसरा है, भूखी जनता को अन्न देने के लिए तुम में से कौन कौन तैयार है। तो जनता और अन्न जो शब्द है वो रेखांकित है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे भूखी प्रजा को अनाज देने के लिए तुम में से कौन कौन तैयार है। अब जो अंतिम प्रश्न है, वाक्य है, वो इस प्रकार है, लज्जा से उसने अपना सिर झुका लिया। तो क्या लिखेंगे, शर्म से उसने अपना सिर झुका लिया। अब दूसरा जो प्रश्न है, शब्दों के वर्ण विच्छेद करने हैं। एक यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया है और मैंने आपको बहुत बार जो वर्ण विच्छेद है वो करवाए हुए भी हैं, तो इसलिए ये आपका गृह कार्य होगा। अब इसके बाद में है तीसरा, जो है विलोम शब्द हमें लिखने हैं। तो सबसे पहले प्रिय, तो क्या होगा, अप्रिय, बहुत अच्छा। युवती, युवती का होगा युवक। गुरु, इसके दो हम लिख सकते हैं, गुरु का अर्थ बड़ा या भारी भी होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लघु और शिष्य। तो दो अर्थ यहाँ पर, दो विलोम शब्द है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद में है नारी, तो होगा नर। अभागा, भाग्यवान या भाग्यशाली। गरीब, अमीर। तो ये पूर्ण हो गई हमारी कार्य पत्रक संख्या 7.4। अब जो हमारी आगे की कार्य पत्रक संख्या है उसमें पहले मैं आपको भगवान बुद्ध और अंगुली माल से संबंधित जो कहानी है पहले मैं वो सुनाऊंगी, उसके बाद में हम उनके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि प्रश्न दिया गया है कि शिक्षक से आपको कहानी सुननी है महात्मा बुद्ध और अंगुली माल के बारे में। तो अंगुली माल होता है वो क्या होता है, एक डाकू होता है जो मगध के जंगलों की गुफाओं में रहता है, और जो भी रास्ते से गुजरता था जंगल के रास्ते से तो वो क्या करता था, उनको लूटता था और साथ में उन्हें मार देता था, और मारता था और उस व्यक्ति की या जो भी गुजरता था उसकी उंगली काट के और क्या करता था, माला बनाकर पहनता था। तो एक बार क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध थे वो वहां पर राज्य में आए और लोगों ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया, लेकिन सारे जो राज्य वाले थे, नगर वाले थे, वो बहुत ज्यादा दुखी थे। तो महात्मा बुद्ध ने पूछा उनको, तो महात्मा बुद्ध को उन्होंने अपनी जो चिंता थी और जो डाकू के बारे में, अंगुली माल के बारे में उसे बताया। तो अंगुली माल जंगलों की, अंगुली माल से मिलने के लिए जो महात्मा बुद्ध थे वो जंगलों की तरफ जाने लग गए, लेकिन जो नगरवासी थे मगध के उन्होंने महात्मा बुद्ध को रोकने की कोशिश की, लेकिन जो महात्मा बुद्ध थे वो माने नहीं और वहां पर चले गए। जैसे ही अंगुली माल ने उन्हें देखा और उन्हें लूटने की कोशिश की, उन्हें पकड़ना चाहा, लेकिन महात्मा बुद्ध इतने तेजस्वी पुरुष थे, इतने दिव्यमान थे कि उनको उनका प्रभाव है उसके कारण से अंगुली माल उन्हें पकड़ नहीं पाता है। तो अंगुली माल उनसे पूछता है कि रुक जाओ यहीं पे। तो भगवान बुद्ध ने बोला कि मैं तो यहीं रुका हुआ हूँ, तुम कब रुकोगे। तो उसने बोला, अंगुली माल ने बोला कि तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता, पूरा जो राज्य है वो मुझसे डरता है, मैं इस राज्य का सबसे
सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। तो महात्मा बुद्ध ने बोला कि अच्छा तुम इतने शक्तिशाली हो तो जाओ और उस पेड़ से 10 पत्तियां तोड़ के लेके आओ। तो अंगुलीमाल हंसने लग गया, बोले 10 पत्तियां, मैं तो पूरा पेड़ उखाड़ के ला सकता हूँ। तो वो गया और 10 पत्तियां ले आया। तो भगवान बुद्ध ने उन्हें बोला कि जाओ अब ये पत्तियों को जाके और पेड़ पर वापस जोड़। तो वो हंसने लग गया और बोला कि पत्तियां थोड़ी जोड़ी जाएगी। तो भगवान बुद्ध ने उसे बोला कि अगर तुम फिर कैसे इतने शक्तिशाली हुए, अगर तुम तोड़ के ले आए और वापस जोड़ नहीं सकते तो तुम शक्तिशाली किस बात के, तुम तो शक्तिशाली हो ही नहीं। तो ये बात सुनकर जो अंगुलीमाल था वो सोच में पड़ गया। तो भगवान बुद्ध ने उसे बोला कि अगर तुम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो उनका जीवन लेने का भी तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। तो अंगुलीमाल था वो महात्मा बुद्ध से बहुत प्रभावित हो गया और उसने ये मारकाट बंद कर दी और अहिंसा का पुजारी बन गया। और आगे जाकर जो अंगुलीमाल था वो बहुत बड़ा सन्यासी बना और दूसरों की सेवा करने लग गया। तो ये थी हमारी कहानी। अब इससे जो संबंधित प्रश्नोत्तर है कार्यपत्रक संख्या के वो हम करेंगे। तो बच्चों जो कहानी अभी मैंने आपको सुनाई उसके आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर करने हैं। तो सबसे पहले अंगुलीमाल कौन था, कौन था अंगुलीमाल? बहुत अच्छा, मगध के जंगलों की गुफाओं में रहने वाला एक डाकू था। अब दूसरा प्रश्न क्या है, वह महात्मा बुद्ध को क्यों मारना चाहता था? क्योंकि वह उनको लूटकर उनसे धन प्राप्त कर उनको मारना चाहता था। अब तीसरा प्रश्न क्या है, महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल से क्या कहा, क्या कहा था? महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा था कि पेड़ की 10 पत्तियां तोड़कर लाओ और जब वो ले आया तो उसे फिर से कहा कि इन पत्तियों को फिर से पेड़ पर जोड़ के आओ। अब हमारा आगे का प्रश्न क्या है, गौतम बुद्ध की शिक्षा का अंगुलीमाल पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा था बच्चों? उसने जो अंगुलीमाल था उसने हिंसा का मार्ग त्याग दिया और अहिंसा को अपना लिया था, बहुत बड़ा सन्यासी बन गया और लोगों की सेवा करने लग गया। अब अंतिम प्रश्न है, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो क्या शिक्षा मिलती है, हमें शिक्षा मिलती है कि हम में जो बुराइयां हैं उन्हें पहचान कर समाप्त करना चाहिए, ये हमें शिक्षा मिलती है। तो बच्चों इसके आगे जो कार्य पत्रक संख्या है 7.6 वो है वाक कौशल से संबंधित। अगर आपके पड़ोस के गांव में अकाल पड़ गया है तो अकाल पीड़ितों की मदद आप कैसे करोगे, किस प्रकार से करोगे, उनकी सहायता कैसे करोगे, उसके ऊपर चर्चा आपको करनी है। तो वो चर्चा आप घर पर भी अपने माता पिता के साथ, दादा दादी के साथ, भाई बहन के साथ में कर सकते हैं। कि आप जैसे उदाहरण मैं दूं तो पैसों के द्वारा, अन्न के द्वारा, कपड़ों के द्वारा देकर किस प्रकार आप उनकी सहायता कर सकते हैं वो आपको सोचकर बताना है। अब इसके बाद में आते हैं हम हमारी कार्यपत्रक संख्या 7.7 पर। उसपे जो समस्त ग्रामवासी हैं, गांववासी हैं, उनके द्वारा सुप्रिया को एक धन्यवाद पत्र लिखना है कि किस प्रकार उसने सहायता की थी। तो वहां पर आप अपने को ग्रामवासियों में मानते हुए आपको एक पत्र लिखना है, धन्यवाद पत्र लिखना है। किसको लिखना है, सुप्रिया को लिखना है। तो ये है आपका आज का गृह कार्य। बच्चों आज की कालांश में इतना ही, आगे की कालांश में हम जो आगे की कार्य पत्रक संख्या है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।